नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुष्कर चौधरी श्री बालाजी इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं अपने उद्यान विज्ञान के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है पीजीआर। पीजीआर का मतलब क्या होता है ये समझने से पहले मैं आपको दो लाइन कहना चाहूँगा, जो कि आपको हमेशा ऊर्जा प्रदान करेगी, आपको मोटिवेट करेगी, जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने कही थी कि इससे पहले कि आपके सपने सच हो, आपको सपने देखने होंगे। बहुत ही प्यारी लाइन्स है ये। क्या होता है कि अक्सर अपन ने देखा है कि जब भी अपन घर पे कोई बड़ा काम करने की कहते थे कि भाई मैं बड़ा होके बड़ा आदमी बनूंगा, या बहुत ज़्यादा पैसे कमाऊंगा, या एरोप्लेन उड़ाऊंगा, ऐसी कोई बात जब अपन करते थे, तब अपने को क्या सुनने को मिलता था कि अरे भाई सपने मत देखा कर, है ना। वो ये कहते थे अपने को कि सपने मत देखा कर, पर कभी भी कोई सपना अगर पूरा होता है तो उसको सबसे पहला काम ही होता है कि सपना देखना। अगर आप सपने देखेंगे तो सपनों को सच कर पाएंगे, और अगर आपने सपने देखे ही नहीं तो आप सपनों को कभी सच नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप सपने देखें, बड़े से बड़े सपने देखें, और उसको पूरा करने के लिए फिर रात दिन एक कर दें। तो उन्होंने फिर से एक बात कही थी कि सपने देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है और सपने पूरे करने वालों के लिए दिन छोटा पड़ जाता है। तो आपको प्रयास करना है, आपको इतनी मेहनत करनी है कि आपके सपने सच हो जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी पादप वृद्धि हार्मोन। पादप वृद्धि हार्मोन होते क्या हैं, सबसे पहले तो इनको समझ लेते हैं कि अपन होते क्या हैं। पादप वृद्धि नियामक बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, पादप वृद्धि नियामक। इंग्लिश में बोलते हैं PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, मतलब वृद्धि नियमन करते हैं। ये क्या करते हैं, वृद्धि को नियमन करते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है, उसको पहले क्लियर समझ लें तो आपको पूरा चैप्टर ये क्लियर हो जाएगा, टॉपिक क्लियर हो जाएगा। मतलब वृद्धि नियामक, वृद्धि को नियमित करने वाले, मतलब वृद्धि को कम भी कर सकते हैं और वृद्धि को बढ़ा भी सकते हैं, उनको अपन क्या बोलेंगे, पादप वृद्धि हार्मोन बोलेंगे, मतलब पादप वृद्धि नियामक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वृद्धि नियामक। वृद्धि हार्मोन किसको कहेंगे, जो सिर्फ वृद्धि करते हो, मतलब जो पौधों की जो ग्रोथ है उसको बढ़ाते हैं, वृद्धि करते हैं उसमें, उनको तो बोलते हैं अपन वृद्धि हार्मोन, ठीक है। और जो पादप वृद्धि को रोकते हैं, मतलब उनकी जो ग्रोथ है उसको सप्रेस कर देते हैं, मतलब उनकी वृद्धि को रोक देते हैं, उनको बोलते हैं अपन पादप वृद्धि रोधक। क्या बोलते हैं, पादप वृद्धि रोधक हार्मोन, ठीक है। तो अपना जो मेन टॉपिक है अपना कि पादप वृद्धि नियामक, मतलब कि वृद्धि को बढ़ाने वाले भी पड़ेंगे अपन और वृद्धि को कम करने वाले भी पड़ेंगे। तो परिभाषा के रूप में इसको समझे अपन, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वे रासायनिक पदार्थ जो अति सूक्ष्म मात्रा में पौधे के किसी भाग में संश्लेषित होते हैं, और अपने बनने के स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर पौधे की विभिन्न गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। विभिन्न गतिविधियां जैसे कि फल बनना, फूल आना, पत्तियां आना, ये जो गतिविधियां हैं इनको ये प्रभावित करते हैं। तो ऐसे रासायनिक तत्वों को क्या बोलते हैं अपन, पादप वृद्धि नियामक। ये पादप की वृद्धि को बढ़ा भी सकते हैं और पादप की वृद्धि को कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन बात करते हैं, आगे देखते हैं इसके बारे में कौन कौन से प्रकार के होते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं मेनली। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, जिनके बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहले इसकी परिभाषा को समझ लें। हार्मोन्स यानी PGR क्या होते हैं, वे रासायनिक पदार्थ जो अति सूक्ष्म मात्रा में पौधों के अंदर एक स्थान पर क्या होते हैं, उत्पन्न होना का मतलब संश्लेषित होते हैं, और सूक्ष्म मात्रा में अपने उत्पत्ति स्थान, मतलब जहाँ पे वो बने थे उस स्थान से दूर जाकर पौधे की विभिन्न गतिविधियों को प्रभावित करते हैं, जैसे कि फल आना, फूल बनना, वृद्धि आदि को ये प्रभावित करते हैं, मतलब आदि को ये बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो ऐसे तत्वों को, ऐसे रसायनों को क्या बोलते हैं अपन, पादप वृद्धि नियामक या हार्मोन्स, ठीक है, पादप हार्मोन्स बोल सकते हैं इसको। कितने प्रकार के होते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं। इनको दो भागों में बांटा गया है, एक तो होते हैं ग्रोथ प्रोमोटर्स, मतलब पादप वृद्धि हार्मोन,
दूसरे होते हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स, मतलब वृद्धि को रोकने वाले हार्मोन, मतलब वृद्धि रोधक हार्मोन। ठीक है, ये हार्मोन जो है प्लांट हार्मोन्स, इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले तो एक तो हो जाएंगे वृद्धि वाले और एक वृद्धि रोकने वाले। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन जो है ग्रोथ प्रमोटर्स, मतलब वृद्धि बढ़ाने वाले जो हार्मोन है, पहला है अपना ऑक्सिन, दूसरा है साइटोकाइनिन, तीसरा है अपना जिब्रेलिन। ये तीनों जो है अपनी वृद्धि को बढ़ाते हैं, पौधों की वृद्धि को बढ़ाते हैं। दूसरे दोनों है इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, जिसको स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों जो हार्मोन है वो वृद्धि को रोकते हैं। क्या करते हैं? वृद्धि को रोकते हैं। अपन की डिटेल में जो इनकी चर्चा है, किसने इसको खोजा था, उसके सारे के बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो आगे देखते हैं अपन। पहला जो है अपना जो हार्मोन है ना, हार्मोन की खोज किसने की थी, मतलब पादप हार्मोन है उनकी खोज सबसे पहले किसने की थी? जूलियम वॉन सॉक्स ने। किसने की थी? जूलियम वॉन सॉक्स ने सबसे पहले हार्मोन की खोज की थी। उसके बाद में आता है कि फाइटो हार्मोन जो शब्द है वो किसने दिया था? फाइटो हार्मोन शब्द किसने दिया था? थीमेन ने दिया था। किसने दिया था? थीमेन ने फाइटो हार्मोन शब्द दिया था। उसके बाद में आता है कि हार्मोन शब्द किसने दिया था? हार्मोन शब्द किसने दिया था? स्टर्लिंग ने, स्टर्लिंग नामक वैज्ञानिक ने हार्मोन शब्द दिया था। ठीक है, हार्मोन शब्द किसने दिया था? स्टर्लिंग नामक वैज्ञानिक ने हार्मोन शब्द दिया था। अब बात करते हैं ये जो पांच प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं? ऑक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन, एबीए, है ना, प्राकृतिक या फाइटो हार्मोन कौन कौन से हैं? तो आईए, आईबीए। क्वेश्चन आता है कि निम्न में से प्राकृतिक हार्मोन या फिर फाइटो हार्मोन, फाइटो का मतलब पादपों के द्वारा बनाए जाने वाले हार्मोन को क्या बोलेंगे अपन? फाइटो हार्मोन। जो पौधे स्वयं बनाते हैं उनको तो बोलेंगे फाइटो हार्मोन, और जो कृत्रिम रूप से अपन बनाते हैं उनको कृत्रिम हार्मोन बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो प्राकृतिक रूप से जो बनते हैं उनको फाइटो हार्मोन भी बोला जाता है। और ये कौन कौन से हैं? आईएए और आईबीए। इनका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। आईएए को तो बोलते हैं अपन इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, और आईबीए को बोलते हैं अपन इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, और इसको जो आईबीए को रूटेक्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जड़ों का निर्माण करने के लिए काम में आता है, इसलिए इसको रूटेक्स हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है अपना संश्लेषित हार्मोन। संश्लेषित मतलब कृत्रिम रूप से बनाए जाने वाले हार्मोन। कृत्रिम रूप से बनाए जाने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं? NaO2,4-D, नेप्थेलिन एसिटिक एसिड। NaA का मतलब होता है नेप्थेलिन एसिटिक एसिड, और 2,4-D का मतलब होता है 2,4-dichlorophenoxy एसिटिक एसिड। NaA, नेप्थेलिन एसिटिक एसिड, और 2,4-D, 2,4-dichlorophenoxy एसिटिक एसिड। तो ये जो है अपने दोनों जो है अपने ये जो है मतलब कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते हैं, मतलब पौधों के अंदर स्वयं निर्मित नहीं होते हैं, और इनके भी बहुत सारे उपयोग है, जैसे कि जो है फल रहित बीजों को, बीज रहित फलों के निर्माण के लिए, या फिर खरपतवार नाशियों के लिए। ये 2,4-D तो अपना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके लिए क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि एकमात्र ऐसा हार्मोन जो पादप वृद्धि हार्मोन के अलावा जो खरपतवार नियंत्रण का कार्य भी करता है, तो ऐसा हार्मोन कौन सा है? 2,4-D। 2,4-D एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो खरपतवार नियंत्रण का काम भी करता है और पादप वृद्धि नियामक का काम भी करता है। ठीक है, तो इसका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है कि 2,4-D का पूरा नाम क्या है, तो 2,4-dichlorophenoxy एसिटिक एसिड लिख देता हूं मैं आपके लिए, 2,4-dichlorophenoxy डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, और दूसरा जो अपना एनए था इसका नाम क्या था? नेप्थेलिन एसिटिक एसिड। नेप्थेलिन एसिटिक एसिड। अब आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट ऑक्सिन के बारे में। पहला जो अपना वृद्धि हार्मोन पढ़ेंगे अपन, वो पढ़ेंगे ऑक्सिन।
ऑक्सिन क्या होता है, ऑक्सिन की खोज किसने की थी। ऑक्सिन ऐसा हार्मोन है जो पौधे के ऊपरी भागों में संश्लेषित होता है, मतलब जो टॉप पोर्शन होता है एपिकल जिसको कह सकते हैं, है ना। तो एपिकल डोमिनेंस भी इसके कारण होती है, मतलब एपिकल डोमिनेंस का मतलब होता है शीर्ष प्रभाविता। ये शीर्ष प्रभाविता किसके कारण होती है, ऑक्सिन के कारण ही होती है, ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है, शीर्ष का प्रभावी होना, मतलब जो शीर्ष भाग होगा वो वृद्धि ज्यादा करेगा और जो नीचे वाले भाग होंगे वो वृद्धि कम करेंगे, तो उसको बोलेंगे अपन शीर्ष प्रभाविता। समझने के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे ये आपका पौधा है एक, ठीक है, तो इस पौधे के अंदर जैसे यहाँ से भी ब्रांच निकल रही है, यहाँ से भी निकल रही है, यहाँ से भी निकल रही है, ठीक है। तो ये जो ब्रांच है, मेन जो ब्रांच है अपनी, मेन पौधा है, वो तो वृद्धि ज्यादा करेगा और ये वृद्धि कम करेंगे, नीचे वाली वृद्धि कम करेगी, इसको क्या बोलेंगे अपन शीर्ष प्रभाविता। क्या बोलेंगे, शीर्ष प्रभाविता, मतलब एपिकल डोमिनेंस, ठीक है। तो ऑक्सिन जो है अपना, क्वेश्चन आवे कि भी ऑक्सिन क्या है, तो ऑक्सिन ऐसा हार्मोन है जो पौधे के ऊपरी भागों में संश्लेषित होता है और उसके बाद में ये वहां से दूसरे भागों में जाकर पौधे की विभिन्न गतिविधियों को प्रभावित करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि भाई ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो ऑक्सीजन की खोज जो की थी चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी, चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने ऑक्सीजन की खोज की थी, और कहाँ की थी, केनरी गास में। कहाँ की थी, केनरी गास में, केनरी गास में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ऑक्सीजन की खोज चार्ल्स डार्विन ने कहाँ पर की थी, कौन से पौधे में की थी। तो केनरी गास एक गास थी, चारा था, जिसको अपन चारा बोल सकते हैं, उसके अंदर इसने खोजा था। खोजा कैसे था, ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। उसने क्या किया था कि भाई पहले जैसे ये सनलाइट पड़ रही है, ये सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ रहा है केंद्रीय घास के ऊपर, तो ये सीधा का सीधा सूर्य के प्रकाश की तरफ वृद्धि कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में जैसे सूर्य का प्रकाश टेढ़ा चला गया, मान लो ऐसे सूर्य अस्त हो रहा है तो इधर मुड़ गया, तो ये भी इधर मुड़ जाता है, ठीक है। मतलब सूर्य के प्रति अनुवर्तन ये दर्शाता है, किसके कारण, ऑक्सीजन के कारण, ठीक है। अब मानो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन होता कहाँ है, मैंने आपको बताया टॉप पोर्शन में, एपिकल भाग में, यहाँ पे टॉप पे होता है। तो माना कि इसको अपन ने काट दिया, यहाँ से अपन ने काट दिया, तो उसके बाद ये प्रकाशानुवर्तन नहीं दर्शाएगा, मतलब ये स्ट्रेट सीधा बढ़ेगा, सूर्य किधर भी जाए आए इसका कोई लेना देना नहीं है, तो उसको बोलते हैं अपन एपिकल डोमिनेंस, सॉरी प्रकाशानुवर्तन, मतलब प्रकाश की तरफ वृद्धि करना। तो ये जो है, इसने ये देखा कि भाई इसके अंदर ऑक्सीजन नामक एक ऐसा रसायन है जिसकी वजह से ये जो सूर्य के प्रकाश की तरफ मुड़ता रहता है पौधा, तो उसको उसने अगर टॉप पोर्शन को हटा दिया, मतलब ऑक्सीजन को वहां से हटा दिया, तो फिर वो पौधा मुड़ना बंद हो गया, फिर वो पौधा सीधा का सीधा वृद्धि कर रहा है, सूर्य किधर भी जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये जो प्रभाव है, इसको कहाँ पे खोजा था उसने, केनरी घास में। कहाँ पे देखा, सबसे पहले केनरी घास के अंदर देखा था, किसने देखा था, चार्ल्स डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन ने इसको सबसे पहले देखा था। अब जो है ऑक्सीजन नाम किसने दिया था, तो एफ डब्ल्यू वेंट नामक वैज्ञानिक था, एफ डब्ल्यू वेंट, इसने इसको ऑक्सीजन नाम दिया था। ऑक्सीजन नाम किसने दिया था, एफ डब्ल्यू वेंट ने, सबसे पहले खोजा था इसको चार्ल्स डार्विन ने, और नाम दिया था एफ डब्ल्यू वेंट ने, ऑक्सीजन नाम इसको दिया था। अब बात करते हैं इसके काम के बारे में कि भाई ये काम क्या करता है, ऑक्सीजन क्या काम आता है। तो पहला तो मैंने आपको बताया ये कहाँ संश्लेषित होता है, पौधे के शीर्ष भाग में। कहाँ संश्लेषित होता है, पौधे के शीर्ष भाग में ये बनता है। बनने के बाद में फिर ये दूसरे स्थानों पर जाकर विभिन्न गतिविधियों को प्रभावित करता है, जिनमें जैसे अपना बीज रहित फलों का निर्माण, जो बीज रहित फलों के निर्माण के लिए स्पेशली अपने 2,4-D और NAA को काम में लिया जाता है। किस किस को काम में लेते हैं, 2,4-D और NAA। अब बीज रहित फलों का निर्माण का मतलब क्या हुआ, मतलब बिना निषेचन के भी वो फलों का निर्माण कर सकता है, अगर 2,4-D और NAA का छिड़काव अपन कर देंगे तो निषेचन नहीं होगा फिर भी फलों का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2,4-D और NAA जो है बीज रहित फलों के निर्माण के लिए उपयोगी है। क्वेश्चन आता है कि कौन से हार्मोन बीज रहित फलों के निर्माण के लिए काम में लिए जाते हैं, तो 2,4-D और NAA को काम में लेते हैं, ठीक है। और इसका कार्य क्या है, कोशिका में वृद्धि, मतलब कोशिका के आकार में वृद्धि, क्या करता है ये, कोशिका के आकार में वृद्धि करता है। क्या करता है, कोशिका के आकार में वृद्धि करता है। इसके अलावा मेन जो काम है इसका, जड़ों का शीघ्र निर्माण, क्या करता है ये, जड़ों का शीघ्र निर्माण। जूट जूट जो वो लगाते हैं ना अपन, कटिंग, कटिंग अपन ने पढ़ा था पहले,
तो कटिंग मतलब कलम जो लगाते हैं, तो कलम लगाने से पहले अपन इससे उपचारित करते हैं ऑक्सिन से। किससे उपचारित करते हैं? ऑक्सिन से। अपन ने वहां पे पढ़ा था आईबीए, क्या पढ़ा था? आईबीए और आईआईए जो अपन ने पढ़ा था, तो वहां पे जो है जड़ों के निर्माण के लिए उसको पढ़ा था अपन ने, तो वो है क्या है? आईबीए और आईए क्या है? वो ऑक्सिन है। क्या है? ऑक्सिन है। इसलिए अपन ऑक्सिन के अंदर पढ़ रहे हैं ये कि जड़ों का शीघ्र निर्माण के लिए क्या उपयोगी है, आईबीए और आईएए। अपन ने पूरा नाम भी पढ़ा था, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड और इंडोल एसिटिक एसिड। ये दोनों जो हार्मोन है इनको अपन जड़ों को शीघ्र निकलने के लिए उपचारित करते हैं, किसको? कटिंग को। ठीक है, तो इससे उपचारित करने से जड़ें शीघ्र निकलती है। अब जो गोल है कटिंग को यानी कलम को उपचारित करने के लिए जो गोल अपन बनाते हैं, वो अपन 1000 ppm से लेके 5000 ppm तक का बना सकते हैं। ठीक है, अगर जैसे शीघ्र अपन लगानी है कटिंग को, तो कई बार पानी के अंदर कटिंग को डुबोकर सीधा जो अपना पाउडर के रूप में आता है आईबीए, उस पाउडर के अंदर उसको डुबो दिया जाता है, जो कि बहुत ही हाई कंसंट्रेशन का हो जाता है। मतलब वो जो रसायन होगा आईबीए, वो सीधा उसके मतलब कलम के ऊपर चिपक जाएगा। ठीक है, मतलब वो गीली रहेगी, पाउडर के अंदर उसको डुबोएंगे तो वो उसके ऊपर चिपक जाता है। चिपकने के बाद उसको अगर अपन लगाएंगे तो उसके अंदर जड़ें शीघ्र निकलेगी। ठीक है, तो ये उपचारित करने का तरीका है। बाकी उसका गोल भी बना सकते हैं, मतलब 1000 ppm से लेकर 5000 ppm तक का गोल बनाकर उसके अंदर डुबो के फिर अपन कलम को लगाएंगे तो जड़ें शीघ्र निकलती है। ठीक है, तो जड़ें शीघ्र निकलने के लिए अपने आईबीए मतलब रूटेक्स और आईए को काम में लिया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है अपना। ठीक है, नेक्स्ट है फूलों को गिरने से रोकना। फूल जो है मतलब कई बार क्या होता है कि पौधों के ऊपर फूल मतलब फल बढ़ने से पहले ही जड़ने लग जाते हैं। ठीक है, तो फल बढ़ने से पहले फूल जड़ने लग जाते हैं, तो उनको रोकने के लिए, उनको जड़ने से रोकने के लिए किसका छिड़काव करते हैं अपन? Na2,4-D और 2,4,5-T, है ना। इन तीनों जो हार्मोन है, ये तीनों हार्मोन कौन से हैं? ऑक्सिन है। कौन से है? ऑक्सिन है। पूरा नाम इनका अपन ने पढ़ा था अभी दो का, तो नेप्थेलिन एसिटिक एसिड, Na का मतलब नेप्थेलिन एसिटिक एसिड, 2,4-D का सभी कमेंट करके बताएं, जो भी लाइव क्लास मेरी अटेंड कर रहे हैं या फिर वीडियो भी देख रहे हैं वो सभी कमेंट करके बताएं। लाखन क्या होगा Na का हो गया 2,4-D का नाम, मुकेश, पवन, संजय और महेंद्र, नितेश, खुशाल, सभी फटाफट बताएं। माया, खुशबू, ममता, फटाफट से कमेंट करके बताएं। हाँ, 2,4-D का मतलब होता है 2,4-dichlorophenoxyacetic acid। ठीक है, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid। अगला जो है अपना 2,4,5-T, इसका मतलब होता है 2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid। 2,4,5-trichloro, तीन बार क्लोरो आ रहा है इसलिए इसको बोलेंगे तीन, मतलब एक तो दो बार दूसरे नंबर पे होगा, चौथे नंबर पे होगा और पांचवें नंबर पर होगा, इस वजह से उसको बोलते हैं 2,4,5-chlorophenoxyacetic acid। ठीक है, और 2,4-D के अंदर दो जगह होता है, 2,4 मतलब दो पे और चार पे होता है, इसलिए 2,4-dichlorophenoxyacetic acid। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या है? ऑक्सिन ही है। ये भी अपना Na भी ऑक्सिन है। ठीक है, तो इनका जो है अपन छिड़काव करके क्या कर सकते हैं? फूलों को गिरने से रोक सकते हैं। अब ध्यान ये रखना है कि भाई मात्रा कितनी होनी चाहिए, मतलब मात्रा विशेष इंपॉर्टेंट है। फूलों को गिरने से रोकने के लिए भी ये काम आ रहे हैं, फूलों को गिराने के लिए भी ये काम आएंगे, फलों को गिरने से रोकने के लिए भी काम आते हैं, फलों को गिराने के लिए भी ये काम आते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मात्रा किसकी कितनी डालें कि वो अपने लिए प्रॉपर काम करें। ठीक है, अगर इनकी मात्रा बढ़ा दोगे तो ये जड़ाने का काम करेंगे। ठीक है, कहते हैं ना अति सर्वत्र वर्जयेत, मतलब हर चीज़ की अति होती है वो नुकसानदायक होती है। ठीक है, तो इसलिए इसकी प्रॉपर जितनी मात्रा चाहिए उतनी ही मात्रा अगर आप डालेंगे तो ये अच्छा आपको जो काम करवाना है वो करेगा। बाकी एक्स्ट्रा अगर क्वांटिटी इसकी डाल दी, ज़्यादा मात्रा में डाल दिया, तो क्या होगा? फूल और फल जड़ जाएंगे। ठीक है, तो जड़ाने नहीं है। तो जैसे अपने Na2,4-D वगैरह है, तो ज़्यादातर फूलों को जड़ने से रोकने के लिए तो 20 ppm का छिड़काव करते हैं। कितने ppm का करते हैं? 20 ppm का। फलों को गिरने से रोकना है तो 50 ppm का छिड़काव करते हैं। कितने का करते हैं? 50 ppm का। अगर फलों को गिराना है या फूलों को गिराना है, फूलों को ही गिराते हैं, फलों को तो नहीं गिराते हैं अपन, तो फूलों को गिराना है
200 ppm से अधिक मात्रा का छिड़काव करते हैं, 200 ppm से अधिक कितना भी कर दो, ज़्यादा करोगे तो बिल्कुल जड़ जाएंगे, पत्तियां भी जड़ जाएगी, सब कुछ जड़ जाएगा, ठीक है। 200 से लेकर 800 ppm तक का छिड़काव अपन कर सकते हैं। वैसे 200 ppm तो थोड़ा सा विरलीकरण के लिए अपन यूज करते हैं, विरलीकरण का मतलब कुछ फूलों को गिराना, ठीक है। और ज़्यादा क्वांटिटी मतलब 800 या 600 या 800 ppm के लगभग अपन छिड़काव करेंगे तो पूर्णतः फूल गिर जाएंगे। अब ये फूल गिराएंगे क्यों, भाई गिराने के लिए क्यों छिड़काव करते हैं, इसके लिए आप याद कीजिए, एक दो क्रॉप ऐसी है जिनमें बाहर नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है ना, जैसे कि अपना अमरूद हो गया, अनार हो गया, है ना, इनके अंदर अपने को बाहर नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है। अब ये बाहर क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए, बाहर का मतलब होता है फूल आना, आप आए बाहर आई, मतलब फूल आने को कहते हैं अपन, क्या कहते हैं फूल आने को, बाहर आना, ठीक है। तो बाहर जो आती है तो बाहर तीन बार आती है, जैसे अमरूद हो गया, अनार हो गया, इनमें तीन बार बाहर आती है, साल में तीन बार फूल आते हैं, तो तीन बार फल तो नहीं लगाने हैं अपने को, फल कितनी बार लगाने हैं, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार फल लेने हैं, तो आपको अच्छी क्वालिटी के बढ़िया गुणवत्ता वाले फल मिलेंगे। और अगर आपने तीन बार फल लगा दिए तो फल की साइज छोटी हो जाएगी, है ना, फल अच्छी क्वालिटी के नहीं मिलेंगे। इसलिए अपने क्या करना है, फूलों फलों की क्वालिटी अच्छी हो, गुणवत्ता अच्छी हो, उसके लिए दो बार के फूल तो अपने को जड़ाने हैं और तीसरी बार के फल अपने को लेने हैं, तो अपने फलों की गुणवत्ता अच्छी होगी, तो उसको बोलेंगे अपन बाहर नियंत्रण करना। बाहर आना तो फूल आना हो गया, ठीक है, और बाहर नियंत्रण करना मतलब फूलों को जड़ाना। अब जड़ाने के दो तरीके हैं, एक तो अपन सीधा उनको हाथों से तोड़ तोड़ के गिरा सकते हैं, तो भाई आप भी जानते हो फूल कितने आते हैं, पौधों के ऊपर फूल तो बहुत ज़्यादा आते हैं, तो भाई तोड़ के गिराओगे तो अपने लेबर होगी, मज़दूर वही महंगे पड़ जाएंगे, है ना, 200-300 रुपये लेते हैं, एक दिन के 400 रुपये तक लेते हैं, तो ज़्यादा महंगी पड़ जाती है। इसलिए अपने क्या करना है, रासायनिक पदार्थों का छिड़काव करना है। रासायनिक पदार्थ कौन कौन से, NA और 2,4-D का छिड़काव अपन करते हैं, ठीक है। अब ध्यान ये रखना है, जब इन रसायनों का छिड़काव आप कर रहे हो, एक इथरेल का भी छिड़काव कर सकते हैं अपन बाहर नियंत्रण के लिए, ठीक है, वो भी उपयोगी है, वो भी अपन आगे आएगा, अभी पढ़ेंगे, तो अभी ये आए तो इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो जो है अपने को बाहर नियंत्रण करना है, इसमें रसायनों का छिड़काव करते समय क्या ध्यान रखना है कि जब आप इन रसायनों का छिड़काव कर रहे हो उस समय आपको सिंचाई को रोक देना है। क्या करना है, सिंचाई को रोक देना है। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर आप सिंचाई करते रहेंगे तो सिंचाई करते रहने से बम्पर फ्लोवरिंग होगी। क्या होगी, बम्पर फ्लोवरिंग होगी। इन रसायनों का छिड़काव आपने कर दिया तो बहुत ज़्यादा फूल आएंगे, मतलब जितने आते हैं उससे भी ज़्यादा फूल आएंगे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इन रसायनों का छिड़काव करने से पहले ही सिंचाई को रोक देना है। और फिर सिंचाई कब करनी है, जब अपने को फ्लोवरिंग लेनी हो, मतलब फूल वापस आने का समय हो, उस समय अपने को सिंचाई करनी चाहिए। बाकी इसकी लाइफ सेविंग इरीगेशन, मतलब जो इसका जीवन बचा सके, उतनी सी सिंचाई जब इसको आवश्यक हो तब थोड़ी थोड़ी मात्रा में कर सकते हैं, बाकी ज़्यादा सिंचाई अपने को नहीं करनी चाहिए। तो ये हो गया इसके बारे में कि भाई बाहर नियंत्रण करने के लिए अपन किस किस का छिड़काव कर सकते हैं, NA और 2,4-D का, ठीक है। कितनी मात्रा में, 600 ppm से अधिक, 600 से 800 ppm तक छिड़काव करते हैं तो ये फूलों को गिराने का काम करते हैं, ठीक है। मात्राएं भी लिखी हुई आगे आ जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, पूरा चार्ट बना रखा है मैंने आपके लिए, तो वो आप वहाँ पे देख सकते हैं ना। नेक्स्ट इसका काम है अपना शीर्ष प्रभाविता, एपिकल डोमिनेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मैंने आपके लिए फोटो इसका लगाया हुआ है। तो एपिकल डोमिनेंस का मतलब होता है शीर्ष प्रभाविता, शीर्ष प्रभाविता का मतलब होता है पौधे का शीर्ष भाग का वृद्धि करते रहना और जो उसकी पार्श्व शाखाएं हैं, मतलब ये नीचे वाली शाखाएं हैं, उनका वृद्धि नहीं करना, क्या कहलाता है, एपिकल डोमिनेंस। क्या कहलाता है, एपिकल डोमिनेंस, मतलब शीर्ष प्रभाविता, शीर्ष ज्यादा प्रभावी है, ठीक है, जो प्रभावी होता है उसी की तो चलती है भाई, जो ज्यादा पहलवान होता है उसी की चलती है, जो कमजोर दुबले पतले होते हैं वो तो बेचारे चुपचाप रहते हैं, क्यों विलाकन, सही है ना। हाँ, तो क्या करना है अपने को, ये जो शीर्ष प्रभाविता है इसका मतलब जब ऑक्सीजन की मात्रा पौधे के अंदर ऑक्सीजन होता है तो पौधे का शीर्ष ज्यादा प्रभावी होता है और जो उसके नीचे की जो शाखाएं हैं वो वृद्धि कम करती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन शीर्ष प्रभाविता जो ऑक्सीजन के कारण होती है। क्वेश्चन आता है कि शीर्ष प्रभाविता किसके कारण या कौन से हार्मोन के कारण होती है, तो आपको याद रखना है कौन सा, ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखते हैं अपन प्राकृतिक ऑक्सीजन कौन कौन से हैं, है ना, प्राकृतिक ऑक्सीजन जो कि पौधों के अंदर अपने आप ही बनते हैं उनको बोलते हैं अपन प्राकृतिक ऑक्सीजन।
जो अपना है IAA और IBA है ना, ये दोनों है और ये भी पौधों के अंदर भी सिंथेसिस होता है, NAA भी, तो तीनों ही ये प्राकृतिक के अंदर आते हैं। तो इंडोल एसिटिक अम्ल, ठीक है, इंडोल एसिटिक अम्ल जो है, इंडोल एसिटिक एसिड के दो और अम्ल के दो, अम्ल को हिंदी में इंग्लिश में एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो आई ए है जो है अपना, इसको जो अपन कितना छिड़काव कर रूटिंग के लिए कितना काम ले सकते हैं, 1000 से 2000 ppm है ना, और मैक्सिमम अपन 5000 ppm तक भी काम ले सकते हैं। और आई बी ए जो है इसको बोलते हैं अपन इंडोल ब्यूटायरिक अम्ल, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड भी बोलते हैं इसको, अपन दूसरा नाम है अपना रूटेक्स, किस नाम से जाना जाता है, रूटेक्स के नाम से। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, पहले आया हुआ है कि जो आई बी है, आई बी ए जो है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, या फिर रूटेक्स कौन से हार्मोन को कहा जाता है, तो आई बी ए को रूटेक्स कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना NAA का मतलब होता है नेप्थेलिन एसिटिक एसिड, जिसके बारे में अपन अभी चर्चा की थी। तो ये जो है इसको प्लानोफिक्स के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, प्लानोफिक्स के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आता है और प्लानोफिक्स का मतलब क्या होता है भाई, जो पत्तों को फूलों को फिक्स करता हो, मतलब फूलों को फिक्स करने का मतलब उनको गिरने से रोकता हो, उसको बोलते हैं अपन प्लानोफिक्स। कई बार अपने सब्जी वगैरह लगाते हैं घर पे, तो उसके फूल जड़ने लग जाते हैं, है ना, फूल मतलब रुकते नहीं है, जैसे कपास में भी ये प्रॉब्लम बहुत होती है, मतलब फूल जड़ने लग जाते हैं। फूलों को जड़ने से रोकने के लिए किसका छिड़काव करेंगे, प्लानोफिक्स का, किसका छिड़काव करेंगे, प्लानोफिक्स का छिड़काव अपन करते हैं, ठीक है। तो प्लानोफिक्स किसको बोलते हैं अपन, NAA को, किसको बोलते हैं, NAA को प्लानोफिक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जो क्या करता है, फल और फूलों को जड़ने से रोकता है और फलों के आकार व गुणवत्ता में सुधार करता है। प्लानोफिक्स का मेन काम क्या है, फूलों को गिरने से रोकना और फलों की गुणवत्ता में सुधार करना। ये देखो इस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं IBA से, रूटेक्स जो है अपना उससे IBA से इस प्रकार से अपन ट्रीटमेंट करते हैं, किसका, कटिंग का, कलम जो होती है उसका इस तरीके से उपचारित करते हैं, इसका गोल बना दिया, उसके अंदर डुबोया और फिर उसको लगा दो, बस यही करना है, कोई स्पेशल विधि नहीं, ये रूटेक्स है और ये प्लानोफिक्स है, ठीक है। मतलब मार्केट में जो मिलेंगे वो इस नाम से मिलेंगे, मार्केट में अगर आप IBA लेने जाओगे तो IBA कोई नहीं देगा, उसको कहना पड़ेगा आपको रूटेक्स दो, क्या दो, रूटेक्स। और इसको लेने जाओगे NAA को, NAA को नहीं जानते हैं, दुकानदार जानते हैं प्लानोफिक्स को, किसको जानते हैं, प्लानोफिक्स को, मतलब इस प्लानोफिक्स के अंदर है क्या है तो इसके अंदर वही है NAA, और इसके अंदर क्या है, IBA है, परंतु उसको IBA के नाम से वो नहीं बेचते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन अप्राकृतिक ऑक्सीन, है ना, अप्राकृतिक मतलब जो प्रकृति के अंदर स्वयं नहीं बनते हैं, इनको लेबोरेटरी के अंदर, प्रयोगशालाओं के अंदर बनाया जाता है, वो कौन कौन से हैं, 2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, है ना, जो जिसका क्या यूज है, 20 ppm मात्रा तो फूलों को जड़ने से रोकती है, 50 ppm मात्रा फलों को गिरने से रोकती है, और अधिक मात्रा गिराने का काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना 2,4-5-T, 2,4-5-trichlorophenoxyacetic acid, ठीक है, ये जो है ये भी काम सेम है, इसके भी काम फूलों को जड़ाने से रोकने में, इसको काम में लिया जाता है। 2,4-D की 0.1% मात्रा चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नियंत्रित करने के काम आती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि भाई कितने प्रतिशत का छिड़काव खरपतवार नियंत्रण के लिए करते हैं, तो 0.1%, कितना, 0.1% मात्रा खरपतवार नियंत्रण का काम करती है, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, किसमें, स्पेशली गेहूं में, है ना, गेहूं में इसको ज़्यादा काम में लिया जाता है, तो गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए 2,4-D का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना, सबसे पहले खोजा गया कार्बनिक खरपतवार नाशी कौन सा है, तो 2,4-D, सबसे पहले खोजा गया कार्बनिक खरपतवार नाशी 2,4-D है, जो कब खोजा गया था, 1942 के अंदर इसको खोजा गया था, ठीक है, सबसे पहले 1942 में कार्बनिक खरपतवार नाशी की खोज हुई थी, वो हुई थी 2,4-D के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन साइटोकाइनिन, अगला अपना हार्मोन है साइटोकाइनिन, ये भी अपना वृद्धि हार्मोन के अंदर आता है। साइटोकाइनिन का मेन काम क्या है, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन इसका मेन कार्य है, मेन कार्य क्या है, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। इसकी खोज किसने की थी, स्कूग एवं मिलर ने, किसने खोज की थी, स्कूग एवं मिलर ने साइटोकाइनिन की खोज
की थी, कहाँ की थी, डीएनए के उप उत्पाद के रूप में इसको खोजा था, डीएनए के उप उत्पाद के रूप में किसको खोजा था, साइटोकाइनिन को, किसको खोजा था, साइटोकाइनिन को, ठीक है। नेक्स्ट है इसका उपयोग कहाँ है, कोशिका विभाजन में, कहाँ उपयोगी है ये, कोशिका विभाजन में सहायक है, मतलब कोशिका विभाजन से क्या होगा, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होगी, क्या होगा, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होगी, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होगी, तो कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होने से पौधे का जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी, ठीक है, मतलब वृद्धि को बढ़ाने का काम ये करता है। नेक्स्ट है अपना पौधे की जीर्ण अवस्था को दूर करता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर, साइटोकाइनिन जो है जीर्णावस्था को दूर करता है, पहले जीर्णावस्था होती क्या है भाई, हाँ जो भी देख रहे हैं ऑनलाइन फटाफट कमेंट करें कि जीर्णावस्था किसे कहते हैं, जीर्णावस्था का मतलब होता है बुढ़ापा, है ना, बुढ़ापा, जो बुढ़ापा पौधे के अंदर आता है, अपने अंदर भी आता है ना, अपन बूढ़े नहीं हो उसके लिए क्या करना चाहिए, अपन बूढ़े नहीं हो उसके लिए योग करना चाहिए, फल फ्रूट सब्जियों का सेवन करना चाहिए, दूध का सेवन करना चाहिए और ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ब्लड डोनेट करना चाहिए, अपन तो डरते हैं कि ब्लड डोनेट नहीं करें, रक्तदान महादान हम नहीं करेंगे, हम तो हमारा रक्त को बचाएंगे, है ना, तो बचाने से फायदा नहीं होता है, ब्लड डोनेट करने से अपने शरीर में नया रक्त बनता है और नया रक्त बनेगा तो वो अपने जो है शरीर में बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा, मतलब नया नया रक्त बनता रहेगा और वो एक साइकिल है वो चलती रहेगी, तो जिससे अपना बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है, ठीक है। तो मेनली जो है फ्रूट्स वगैरह सब्जियां ये अपने को ज़्यादा खाने चाहिए, ठीक है, दूध दही वगैरह, तो उससे भी बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है, ठीक है, केवल रोटियां ही खाते हैं तो उससे बुढ़ापा जल्दी आता है, ठीक है। हाँ, तो पौधों की जीर्णावस्था को दूर करता है, इस प्रभाव को क्या बोलते हैं, रिचमंड लेग इफेक्ट, क्या बोलते हैं, रिचमंड लेग इफेक्ट, मतलब जीर्णावस्था को दूर करना क्या कहलाता है, रिचमंड लेग इफेक्ट कहलाता है, जो पौधों के अंदर कौन करता है, साइटोकाइनिन, ठीक है, साइटोकाइनिन सेल, देखो सीधा सा है, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन करेगा, सेल डिवीजन मतलब कोशिका विभाजन करेगा, तो जीर्णावस्था में क्या होता है, बुढ़ापे में क्या होता है, अपने हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, तो वही पौधों के अंदर होता है, पौधे की शाखाएं सूखने लगती है, आगे वृद्धि नहीं करती है, उनमें फल और फूल नहीं आते हैं, ठीक है, तो मतलब कोशिका विभाजन रुक जाता है, तो ये कोशिका विभाजन को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, साइटोकाइनिन क्या करता है, कोशिका विभाजन को बढ़ाता है, ठीक है, तो बढ़ाएगा तो जीर्णावस्था बुढ़ापा उसके अंदर नहीं आएगा, भाई जब वापस जब काले काले बाल आने लग जाएंगे सफेद की जगह, जवानी आएगी, बुढ़ापा थोड़ी आएगा, है ना। नेक्स्ट है अपना जिब्रेलिन्स, अगला हार्मोन है अपना जिब्रेलिन्स, जिब्रेलिन की खोज किसने की थी, कुरोसावा ने, किसने की थी, कुरोसावा ने इसकी खोज की थी, जिब्रेलिन का खोजकर्ता कौन है, कुरोसावा, ठीक है, कहाँ खोज की थी इसने, चावल की फुलिश सीडलिंग बीमारी में, है ना, चावल की पागल बीमारी, जिसको पागल बीज बीमारी कह सकते हो, फुलिश सीडलिंग, है ना, मूर्ख बीज बीमारी कह सकते हो इसको, ठीक है, तो ये मूर्ख बीज बीमारी जो थी इसके अंदर इसने खोज की थी कुरोसावा ने, किसने खोज की थी, कुरोसावा ने, तो ये जो पौधे हैं ये चावल के पौधे हैं, चावल के ये पूरे खेत के अंदर पौधे लगे हुए हैं, तो आपको ये पौधा एक अलग से दिख रहा है, जो ज़्यादा लंबा हुआ वो दिख रहा है ना, ये पौधा है इसके अंदर इसको खोजा गया था, मतलब जो एक्स्ट्रा अलग से ज़्यादा वृद्धि कर रहा था तो उसको उसने कहा चावल की फुलिश सीडलिंग डिजीज, ठीक है, इनमें देखें तो ये जो पौधा है इसको अपन बोल सकते हैं कि इसके अंदर इसकी खोज की गई थी, तो कुरोसावा ने चावल की फुलिश सीडलिंग नामक बीमारी, पहले तो ये खोजा कि चावल की फुलिश सीडलिंग बीमारी होती किससे है, तो होती किससे, ये जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक कवक से होती है, किससे होती है, जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक कवक से होती है, क्वेश्चन आ सकता है कि चावल की फुलिश सीडलिंग बीमारी किससे होती है, तो किससे होती है अपनी, ये जिब्रेला फ्यूजिकोराई कवक से होती है, किससे होती है, जिब्रेला फ्यूजिकोराई कवक से होती है, ठीक है, तो इस कवक के अंदर फिर उन्होंने खोजा था किसको, जिब्रेलिन को, किसको खोजा था, जिब्रेलिन को खोजा था इस कवक के अंदर, जिब्रेला फ्यूजिकोराई जो कवक था इसके अंदर कौन सा, किसको खोजा गया, जिब्रेलिन हार्मोन को खोजा गया था, तो उन्होंने फिर एनालिसिस किया, फिर डिस्कस करने के बाद परिणाम उन्होंने रिजल्ट निकाला कि भाई ये जो बीमारी हो रही थी ये किसके कारण हो रही थी, जिब्रेलिन के कारण हो रही थी, किसके कारण हो रही थी, जिब्रेलिन के कारण हो रही थी। अब इसके कार्य की बात करें तो फलों का आकार बढ़ाने में, ठीक है, ये नंबर ऑफ सेल्स
नहीं बढ़ा रहा है, मतलब कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि नहीं कर रहा है, ये कोशिकाओं के आकार में वृद्धि कर रहा है। क्या कर रहा है? कोशिकाओं के आकार में वृद्धि कर रहा है। तो मतलब फलों का आकार बढ़ाने का काम ये करता है, फलों का आकार बढ़ाने का काम करता है, स्पेशली किसमें? अंगूर में। अंगूर के अंदर इंक्रीज बेरी साइज, क्वेश्चन आता है कि अंगूर में फलों का आकार बढ़ाने के लिए किसका छिड़काव किया जाता है, तो जिब्रेलिंस का। किसका? जिब्रेलिंस का, GA3, जो कि जिब्रेलिक अम्ल है वो जिब्रेलिंस जैसा ही प्रभाव दर्शाता है, इसलिए उसका छिड़काव अपन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा काम है, पहला ये हो गया कोशिका के आकार में वृद्धि, मतलब फलों का आकार बढ़ाता है। नेक्स्ट है फलों को बीज रहित बनाने में। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ऑक्सिन भी काम आता है बीज रहित बनाने में और जिब्रेलिन भी काम आता है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो अगर दोनों ऑप्शन में होंगे तो उपरोक्त दोनों आंसर आएगा, और उपरोक्त दोनों आंसर नहीं है तो एक ही आएगा, इन दोनों में से दोनों को नहीं पूछेंगे। ठीक है, फलों को बीज रहित बनाने में भी ये जिब्रेलिन काम में लिया जाता है। अंगूर में सुषुप्तावस्था तोड़ने में, अंगूर के अंदर सुषुप्तावस्था पाई जाती है, जो मतलब उसके प्रोपोगेशन के लिए समस्या है एक, तो उसके लिए सुषुप्तावस्था तोड़ने में भी जिब्रेलिन को काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है जिब्रेलिक अम्ल। जिब्रेलिक अम्ल क्या है? ये भी मतलब जिब्रेलिन ही है, मतलब जो है एक कृत्रिम रसायन है जो जिब्रेलिन के समान प्रभाव दिखाता है, जिब्रेलिन के समान प्रभाव दिखाता है, इसलिए इसको GA3 जो है जिब्रेलिन भी बोल सकते हैं इसको अपन। ठीक है, वैसे पूरा नाम है इसका जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिक अम्ल। ठीक है, ये जो है जिब्रेलिन, इसका छिड़काव करने से कई बार जैसे पौधे के ऊपर नर और मादा फूलों की संख्या में भी कमी और ज़्यादा दर्शाए मतलब हो जाता है, कई बार जैसे GA3 की मात्रा कम है तो जैसे इसके अंदर जो है अपने ये जो फूल है ये फीमेल फ्लावर्स है, मतलब जो पपीते के अंदर जो तना है उससे बिल्कुल पास में से जो फूल निकलता है एक सिंगल फूल, वो होता है फीमेल फ्लावर, मतलब मादा फूल होता है, और जो इस तरीके से गुच्छे में लटकते हैं वो होते हैं अपने मेल फ्लावर्स। ठीक है, तो इसकी जिब्रेलिन की अधिक मात्रा या कम मात्रा की वजह से नर और मादा फूलों का अधिक या कम बढ़ना भी हो सकता है, ये भी एक प्रभाव इसके कारण होता है। ठीक है, तो GA3 की जैसे कम मात्रा थी तो इसमें फीमेल फ्लावर्स ज़्यादा थे। क्या थे? फीमेल फ्लावर्स। GA3 की कम मात्रा होने पर इसमें फीमेल फ्लावर्स ज़्यादा बने। दूसरा जो है अपना GA3 जैसे +3 कर रखा है, मतलब ये इसकी मात्रा बढ़ी तो इसके अंदर कौन से फूल बने? फीमेल फ्लावर बने, उसके साथ में कुछ मेल फ्लावर भी बने। ठीक है, फीमेल फ्लावर के साथ में कुछ मेल फ्लावर भी उस पर बने, GA3 की मात्रा जब डाली गई इसके अंदर। उसके बाद में जैसे GA3 की मात्रा कम है तो इस पे केवल जो है या तो मेल फ्लावर्स ही बहुत ज़्यादा कम है, तो इसके अंदर दोनों प्रकार के फूल हो सकते हैं, मतलब मेल भी हैं और फीमेल भी फ्लावर्स है, दोनों प्रकार के फूल इसके ऊपर हैं। उसके बाद में GA3 की मात्रा बढ़ाते हैं तो बढ़ाने के बाद जो है इसके अंदर वापस फीमेल फ्लावर्स की संख्या ज़्यादा बढ़ी है, और ये जो है GA3 की कम मात्रा होने पर पौधे के अंदर नर फूल ज़्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके का प्रभाव भी अपने को पपीते के अंदर देखने को मिलता है जिब्रेलिन का। ठीक है, जिसके ज़्यादा कोई क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं बनते हैं। नेक्स्ट है अपना इथाइलिन। इथाइलिन एक इम्पोर्टेंट हार्मोन है, इससे क्वेश्चन आता है, मतलब ये मान के चलें कि जितने भी हार्मोन हैं उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसी का क्वेश्चन आता है, मतलब कई बार के एग्जामों के अंदर पूछा गया और सबसे सरल क्वेश्चन है, इसमें कोई सोचने वाली बात भी नहीं, इतना सरल है आपको देखते ही आ जाता है, एक बार जिसने ये क्लास अटेंड कर ली वो कभी जीवन में नहीं भूलेगा। ठीक है, मतलब इथाइलिन जो है क्वेश्चन आता है कि भाई फलों को पकाने के लिए कौन सा वृद्धि हार्मोन काम में लिया जाता है, या वृद्धि रोधक हार्मोन में आता है वैसे ये, तो निम्न में से कौन सा जो हार्मोन है वो फलों को पकाने के लिए काम में लिया जाता है, तो अपने को याद रखना है इथाइलिन। क्या याद रखना है? इथाइलिन जो है फलों को पकाने के लिए उपयोगी हार्मोन है, इसका क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं वृद्धि रोधक हार्मोन जो है ये, इसकी खोज इथाइलिन की किसने की थी? क्रोकर ने खोजी थी। किसने? क्रोकर नामक वैज्ञानिक ने, साइंटिस्ट ने इथाइलिन की खोज की थी, और डी मित्रे और नेल जुबे जो वैज्ञानिक थे इन्होंने बताया था कि ये गैसीय हार्मोन है। क्या है? गैसीय हार्मोन है, मतलब गैस के रूप में ये पाया जाता है, ये किसने बताया था? डी मित्रे और नेल जुबो नामक वैज्ञानिक ने ये बताया था। ठीक है, अब इसका काम मेन क्वेश्चन जो आता है वो इसी का आता है, कोई साइंटिस्ट फाइंटिस्ट कुछ पूछने वाले नहीं आपको, एक चीज आपको याद रहेगी तो आपको क्वेश्चन सही हो जाएगा, वैसे आप सब याद करें, इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पूरी मैंने लिखी है वो, परंतु मतलब
मान के चले कि 90% चांस क्वेश्चन इसी का पूछने के रहते हैं कि फलों को पकड़ने के लिए कौन सा हार्मोन काम में लिया जाता है, तो इथाइलिन काम में लिया जाता है। क्या लिया जाता है? इथाइलिन हार्मोन फलों को पकड़ने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे इस स्टेज पे अपने ये फल हैं तो इनको इस अवस्था में तोड़ लेंगे और इथाइलिन का स्प्रे कर देंगे तो ये इस तरीके के लाल टमाटर हो जाएंगे, मतलब वो पक जाएंगे। ठीक है, इनका प्राकृतिक रंग है, मतलब जो पकने जैसा रंग वो रंग इसके ऊपर आ जाता है अगर इथाइलिन का छिड़काव कर दिया जाए तो। कितनी मात्रा काम में लेते हैं? 500 ppm। कितनी? 500 ppm। ये ppm का नाम आते ही मेरे दिमाग में वापस वही क्वेश्चन उठता है बार बार कि भाई ppm का गोल कैसे बनाएंगे। तो ये 500 ppm का गोल बनाना है आपको कितने लीटर में? 1 लीटर में। 1 लीटर में 500 ppm का गोल बनाना है तो आपको बतानी है मात्रा किसकी? इथाइलिन की मात्रा बतानी है कि भाई इथ्रेल जो आता है, इथ्रेल की मात्रा बतानी है, कितनी मात्रा काम में लेंगे 1 लीटर के अंदर। फटाफट से कमेंट करके बताएं सभी के सभी। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 1 लीटर के अंदर कितनी मात्रा डालेंगे कि 500 ppm का गोल बन जाए? संजय, पवन, खुशाल, नितेश, महेंद्र, मुकेश, लाखन, फटाफट जवाब देवे। हाँ, वेरी गुड, जवाब आया है महेंद्र का, सही जवाब है 500 μL माइक्रोलीटर। ठीक है, ममता, माया, खुशबू, आपको नहीं आता है कोई बात नहीं, सीखेंगे अपन कैसे बनाया जाता है। एक फॉर्मूला बताया था मैंने कि भाई याद रखना है आपको 1 μL कितने में डालना है 1 लीटर में, तो कितने का गोल बनेगा? 1 ppm का। अगर 1 mg मिलीग्राम कितने में डालेंगे 1 लीटर में, तो कितने का सॉल्यूशन बनेगा? 1 ppm का। ये अपना क्या है? फॉर्मूला, ये सूत्र अपने को याद रखना है। इसके आधार पे आपको कितने भी ppm का गोल निकालना हो बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हो। मतलब लीटर पानी का एक है, उसके अंदर बनाना है कितने? 500 ppm का। अब मान लो 1 ppm का बनाना होता है 1 लीटर में तो कितना डालते? ये तो देखो, ये दोनों चीज लिखी है। μL का मतलब होता है जब आपको दिया गया रासायनिक पदार्थ तरल अवस्था में हो, है ना। ml से भी छोटी इकाई है, ml होता है ना, ml तो सब जानते हो, मिलीलीटर। मिलीलीटर से भी छोटी इकाई होती है माइक्रोलीटर, है ना, माइक्रोलीटर। तो ये तो है जब तरल अवस्था में अपने को दिया जाए रासायनिक पदार्थ, तो इस रूप में अपन नापेंगे 1 μL, है ना। और अगर अपने को जो दिया गया पदार्थ है वो ठोस अवस्था में है, ठोस अवस्था में होता है, तो उसको मापते हैं अपन मिलीग्राम में। किसमें मापते हैं? मिलीग्राम में। ठीक है, ग्राम बड़ी इकाई हो जाती है तो ग्राम में नहीं मापते हैं, किलोग्राम और बड़ी होती है तो उससे में नहीं मापते हैं, अपन किसने मापते हैं? mg में, मिलीग्राम में। किसमें मापते हैं? mg में। ppm का पूरा नाम तो है पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन मतलब 10 लाख का एक भाग, ठीक है, उसको बोलते हैं ppm। ठीक है, अब अपन बात कर रहे थे जैसे 1 mg अपन ने डाला कितने में? 1 लीटर में डाला, तो कितने ppm का सोल्यूशन बना? 1 ppm का बना। मान लो अपन 100 mg डालते तो 100 mg कितने में डाल रहे थे? 1 लीटर में, तो गोल बन रहा था अपना 100 ppm का। कितने ppm का? 100 ppm का। अगर अपन 100 μL, μL का मतलब माइक्रोलीटर, 100 μL डाल रहे थे 1 लीटर में, कितने में? 1 लीटर में, तो सॉल्यूशन कितना बन रहा था? 100 ppm का, है ना, सेम है। इधर जो संख्या होगी वही इधर गोल बनेगा, अगर बीच में लीटर एक है तो, है ना। अगर लीटर दो हो गए तो क्या होगा? दो का भाग लगा देना है। लीटर तीन हो गए तो तीन का भाग लगा देना है। लीटर चार हो गए तो चार का भाग लगा देना है। ठीक है, इसमें लगाओगे भाग, मंत्र नहीं बनना है, भाग लगाना है इसके अंदर। ये जो मात्रा दे रखी है इसमें लगाना है, मात्रा चार भागों में डिवाइड हो जाएगी, 4 लीटर में डिवाइड हो गई, तो फिर वो जो ppm आएगा वो आगे ppm वापस लिख देना है अपने को। जो भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उतने ppm का गोल बन जाएगा। परंतु आपको इतना भाग गुणा जोड़ बाकी भी याद नहीं रहे, आपको तो इतना से याद रख लोगे जितने में आपका कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, मतलब 1 mg 1 लीटर में डालते हैं तो गोल बनता है 1 ppm का,
500 मिलीग्राम पूछा है यहाँ पे, 500 ppm का गोल पूछा है, तो 500 मिलीग्राम या म्यूएल, क्योंकि ये लिक्विड में आता है इथरेल, इसलिए अपन बोलेंगे 500 म्यूएल। क्या बोलेंगे? 500 म्यूएल। कितने में डालना है? एक लीटर में डालना है। गोल कितना बना? 500 ppm का। कितना बना? 500 ppm का। समझ में आ गया सभी को? नहीं आया हो तो अब समझ में नहीं आएगा, ये है ना, ऐसे ही है। एक बार समझ में आ गया तो आ गया, नहीं आया तो जिंदगी भर समझ में नहीं आने वाला है। हाँ, अब अपन बात करते हैं अगला, इसका कार्य क्या है। ये जीर्ण अवस्था को क्या करता है? बढ़ाने का काम करता है, मतलब ये बुढ़ापा लाने का काम करता है। बुढ़ापा लाने का काम कैसे करता है कि भाई जैसे इसकी जब मात्रा बढ़ती है पौधे के अंदर, इसका सिंथेसिस बढ़ता है, तो क्या होता है, पौधे के अंदर एक एब्सिसिन लेयर का फॉर्मेशन होता है। एब्सिसिक एसिड का मात्रा बढ़ने लगती है, और एब्सिसिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगेगी तो एब्सिसिन लेयर का फॉर्मेशन होगा, जिससे इसकी पत्तियां और फल है वो टोट के नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है ये क्या करता है, मतलब जीर्ण अवस्था को बढ़ाने का काम करता है, मतलब बुढ़ापा जल्दी लाता है इथाइलिन। ठीक है, नेक्स्ट है, यह फलों के हरे रंग को उनके वास्तविक रूप में परिवर्तित करता है। मतलब जैसे आपने नींबू है, नींबू को अपन ने कच्चा तोड़ लिया है ना, कच्चा का मतलब वो हरी अवस्था में है, अब उनका नेचुरल कलर कौन सा है? पीला है। तो उस पर अगर इथरेल का छिड़काव कर दिया है ना, कैल्शियम कार्बाइड या फिर इथरेल का छिड़काव करेंगे तो क्या हो जाएंगे, वो पीले कलर के हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, अशुद्ध रूप में एसिटिलीन के रूप में पाया जाता है। इथाइलीन जो गैस है, मतलब इथाइलीन जो हार्मोन है, इसका अशुद्ध रूप है एसिटिलीन, एसिटिलीन है ना, जो काम में नहीं लिया जाता है। ये आपके पूछते नहीं है अशुद्ध रूप, केवल इतना सब पूछ सकते हैं कि इथाइलीन का अशुद्ध रूप कौन सा है, बाकी ज्यादा इसके कोई क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं रहते हैं। इथाइलीन का मेन क्वेश्चन कौन सा आएगा, फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन काम में लिया जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं वृद्धि रोधक है ना, वृद्धि रोधक हार्मोन कौन कौन से हैं। वैसे तो इथाइलीन भी अपना उसी में आता है ना, परंतु फिर भी जो है अपना वृद्धि रोधक स्पेशली अपने दो नाम है, MH और ABA, उनके बारे में पढ़ते हैं कि भाई ये क्या होते हैं, MH क्या है और ABA क्या है। ठीक है, तो वृद्धि रोधक हार्मोन ऐसे हार्मोन होते हैं जो पौधे की वृद्धि को रोकने का काम करते हैं। क्या करते हैं भाई? वृद्धि को रोकने का काम करते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं अपन पादप वृद्धि रोधक, पादप वृद्धि रोधक, मतलब पौधों की वृद्धि को रोकने का काम ये करते हैं, इसलिए इनको वृद्धि रोधक बोला जाता है। अब इनके काम क्या है, जैसे बीज व कलिकाओं की वृद्धि को रोकना, क्या करते हैं ये? वृद्धि को रोकने का काम करते हैं, बीज व कलिकाओं की वृद्धि को रोकना, बीज के अंकुरण को रोकना, बीज को अंकुरित होने से ये रोकते हैं, पौधों में पानी के संबंध को प्रभावित करते हैं। पौधों में पानी के संबंध मतलब पानी अवशोषण करने की जो उसकी क्षमता होती है उसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं उदाहरण कौन कौन से हैं वृद्धि रोधक, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि वृद्धि रोधक हार्मोन कौन कौन से हैं। तो वृद्धि रोधक हार्मोन के लिए अपना क्वेश्चन आए तो अपने को याद रखना है, एक तो MH और ABA, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों। ठीक है, इथाइलिन भी इसमें आता है, परंतु इनके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है MH और ABA, मैलिक हाइड्रेजाइड और एब्सिसिक एसिड। ठीक है, तो एब्सिसिक एसिड जो है इसको अपन एब्सिसिक अम्ल भी बोलते हैं, और इसको एंटी जिब्रेलिन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंटी जिब्रेलिन। एंटी जिब्रेलिन का मतलब जिब्रेलिन के प्रभाव को ये खत्म करने का काम करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं एंटी जिब्रेलिन। क्या बोलते हैं? एंटी जिब्रेलिन। ठीक है, अच्छा, ये मेलिक हाइड्रेजाइड है, इसका स्पेशली काम क्या है, भंडारण के अंदर इस प्रकार से आलू और प्याज अंकुरित हो जाते हैं, है ना, भंडारण जब करते हैं आलू और प्याज का तो वहां पड़े पड़े इनमें अंकुरण होने लग जाता है, तो इस अंकुरण को रोकने का काम करता है मेलिक हाइड्रेजाइड। कौन करता है? मेलिक हाइड्रेजाइड। क्वेश्चन पूछा गया है कई बार एग्जाम में कि भाई भंडारण के अंदर प्याज या आलू के अंकुरण को रोकने के लिए कौन सा वृद्धि हार्मोन काम में लिया जाता है, तो MH। MH का मतलब क्या है? मेलिक हाइड्रेजाइड। क्या है? मेलिक हाइड्रेजाइड। मेलिक हाइड्रेजाइड। ठीक है, मेलिक हाइड्रेजाइड जो है ये काम में लिया जाता है अंकुरण को रोकने के लिए, भंडारण में अंकुरण को रोकने के लिए मेलिक हाइड्रेजाइड काम में लिया जाता है। ठीक है,
भंडारण में प्याज के अंकुरण को रोकता है ये, और लौकी में मादा फूलों की संख्या बढ़ाता है। अगर लौकी का जो फसल है उसके अंदर 2 या 4 पत्ती अवस्था जो होती है उस समय पर इसका अगर छिड़काव किया जाए तो उसके अंदर मादा फूलों की संख्या बढ़ जाती है, मादा फूलों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, कब? जब इसकी 2 से 4 पत्ती अवस्था में छिड़काव किया जाए तो उस समय मादा फूलों की संख्या को बढ़ाता है। तंबाकू में सकर्स को नियंत्रण, वही जो तंबाकू का ये पौधा है इसमें नीचे से भी बहुत सारे सकर्स निकलते हैं, ठीक है, तो उनके निकलने से क्या होता है इसकी गुणवत्ता कम हो जाती है, तो वो गुणवत्ता कम होने से बचाने के लिए इसके सकर्स नहीं निकले और अधिक, इसलिए अपन इसका छिड़काव करते हैं मेलिकहाइड्राइड का, तो ये सकर्स को भी नियंत्रित करता है। व्यापारिक नाम इसका स्प्रूट स्टॉप या स्प्राउट स्टॉप भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है, स्प्राउट स्टॉप या स्प्रूट स्टॉप इसको बोला जाता है क्योंकि स्प्राउटिंग को रोकता है, इंग्लिश में स्प्राउटिंग मतलब अंकुरण, ठीक है, तो अंकुरण को रोकता है इसलिए इसको स्प्रूट स्टॉप भी बोला जाता है। एक साइकोसेल और है, साइकोसेल के लिए क्वेश्चन आया हुआ है कि साइकोसेल किस प्रकार का हार्मोन है या क्या करता है, मतलब साइकोसेल वृद्धि को रोकने का काम करता है, क्या करता है साइकोसेल, एक रासायनिक पदार्थ है, साइकोसेल एक रासायनिक पदार्थ है जो पौधों की वृद्धि को रोकने का काम करता है, पौधों में पर्णी वृद्धि को रोकता है, इसका इम्पोर्टेंट काम है पौधों में पर्णी वृद्धि को रोकता है ये, और शुष्क खेती में उपयोगी है। शुष्क खेती में उपयोगी क्यों है, क्योंकि पौधों में जो है शुष्क खेती में क्या होता है कि जैसे पानी की कमी रहती है तो पानी की कमी में भी पौधे अपनी वृद्धि कर सके, इसलिए इसका साइकोसेल का छिड़काव किया जाता है। नेक्स्ट है जड़ों की वृद्धि को रोकता है, साइकोसेल मतलब वृद्धि रोधक है तो जड़ों की वृद्धि को रोकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन उपयोग, वृद्धि हार्मोन है उनके उपयोग जो है किस किस रूप में इनको अपन काम में ले रहे हैं, कितनी मात्रा में काम में ले रहे हैं, तो जैसे अपना जड़ों के विकास के लिए उपयोगी मात्रा किस किस को काम में लेते हैं, जड़ों के विकास के लिए IBA और IAA को कितनी मात्रा 2000 से 5000 PPM तक इसकी मात्रा अपन काम में ले सकते हैं। नींबू प्रजातियों में गुट्टी के लिए, गुट्टी का मतलब लेयरिंग करते हैं ना, लेयरिंग गुट्टी दाब लगाते हैं, उसमें IA और NA को काम में लेते हैं कितना 1000 PPM, कितना 1000 PPM। फूल आने के लिए NA कितना 20 PPM, मतलब फूलों को जड़ने से रोकने के लिए या फूल आने के लिए 20 PPM NA का छिड़काव कर सकते हैं, 240 भी कर सकते हैं, दोनों हैं, ठीक है। फूलों को जड़ने से रोकने के लिए NA 20 PPM लाने के लिए भी और जड़ने के लिए भी 20 PPM का छिड़काव करते हैं। तुड़ाई व फूलों को गिरने से बचाने के लिए 240 और NA 20 to 25 PPM, ये तीनों का मीनिंग एक ही है ना, तीनों का मीनिंग एक ही, 20 से 25 PPM का छिड़काव कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट है अंगूर व नींबू में फलों को आकार में वृद्धि करने के लिए किसका छिड़काव करेंगे, GA3 या NAA का 20 से 25 PPM, ठीक है, फलों का आकार में वृद्धि करने के लिए GA3, स्पेशली इसका क्वेश्चन आता है GA3 का, ठीक है, GA3 का छिड़काव करना चाहिए। नेक्स्ट है अंगूर की बीज रहित मतलब फल निर्माण के लिए GA3 का छिड़काव करते हैं कितना 20 PPM, बीज रहित फलों का निर्माण करना हो अंगूर में तो 20 PPM GA3 का छिड़काव करना चाहिए। अमरूद व अनार में विरलीकरण के लिए, विरलीकरण का मतलब कुछ फूलों को गिराना, बहुत ज़्यादा जो फ्लावरिंग होती है उससे फलों की गुणवत्ता कम हो जाती है, मतलब फल छोटे आकार के लगते हैं तो बड़े आकार के फल लगाने के लिए उनकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किसका छिड़काव करेंगे अपन, वृद्धि हार्मोन का छिड़काव करेंगे जिसमें अपना है NAA नेप्थेलिन एसिटिक एसिड, जिसका 200 PPM से 800 PPM तक छिड़काव कर सकते हैं। 800 PPM से तो मतलब पूर्णतया जड़ जाते हैं, और अगर विरलीकरण ही करना है केवल अपने को तो कितना करेंगे अपन 200 PPM, कितना करेंगे 200 PPM, ठीक है। तो अगर अपने को केवल विरलीकरण करना है तो अपन 200 PPM का छिड़काव करेंगे, और अगर पूर्णतया मतलब बाहर नियंत्रण करनी है तो 800 PPM का छिड़काव करते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट है अपना फलों को पकने के लिए, इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, इथाइलिन क्या काम में लिया जाता है, इथाइलिन कितना 500 PPM मात्रा काम में ली जाती है। हालसा में अच्छी पैदावार के लिए GA3 जिब्रेलिक अम्ल जो होता है उसका छिड़काव करते हैं कितना 60 PPM का छिड़काव करते हैं, ठीक है। तो आज का ये चैप्टर अपना यहीं तक है, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दें, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा, और आप अच्छे से पढ़ाई करें, कंपटीशन आजकल बहुत ज़्यादा है, परंतु आपको सीट कितनी लेनी है, सिर्फ एक,
आपको एक सीट लेनी है तो उस एक सीट के लिए आपको इतनी मेहनत करनी है कि वो सीट आपके हाथ में ही आनी चाहिए, कोई दूसरा नहीं लेना चाहिए, और वो सीट होनी चाहिए पहले नंबर की, मतलब पहली सीट आपको कटवानी है, दूसरी पे कोई दूसरा है, ऐसा आपको प्रयास करना है। तो अंत में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए, और हमारा आत्मविश्वास मनोबल बढ़ाने के लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, थैंक यू।